क्वेश्चन नंबर थ्री देखो अभी फायर इंश्योरेंस क्लेम हम लोग मालूम है बिजनेस में अपने क्या रहते हैं, गोडाउन में माल वाल पड़े रहते हैं, ठीक है, एसेट्स है, अगर जल गया या चोरी हो गया तो क्या होगा, गया ना, ठीक है, लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो फिर अगर उसको लॉस से बचाना तो हमें क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस लेके आना चाहिए, ठीक है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखो इसमें 17 जून 2013 अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर बुकवॉर्म अ बुक सेलर, बुक की दुकान है ये, और यहाँ पे क्या हो गई, फायर लग गई कभी 17 जून को, क्या समझ रहे, तो 17 जून 2000 क्या है 13 को आग लगी। आगे देखो अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड द कॉस्ट ऑफ सालवेज स्टॉक बीइंग 11,200, कितने का माल बच गया, सालवेज मतलब कितने का माल हमने बचा लिया, वो तो जो स्टॉक पड़ा था उसमें से कितने का माल हमने बचाया, 11,200, ठीक है। इन एडिशन सम स्टॉक वॉज सालवेज इन डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड 10,400, तो 11,200 का अच्छी कंडीशन में था और भी हमने माल बचाया, तो थोड़ा डैमेज कंडीशन में था बट उसकी वैल्यू अगर देखी जाए ना तो 10,400 है, तो टोटल सालवेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 21,600, बराबर ना, 10 और 11 21 और 4, ठीक है। फिर आगे क्या है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द स्टॉक बुक्स ऑफ द अकाउंट। अभी देखो इसमें सॉल्व कैसे करना है, अगर आग लग गई तो हमें पता होगा क्या कि अगर आग लग गई तो हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मान लो आप लोगों ने फीफो और वेटेड मेटल किया था अभी, है ना, फर्स्ट सेम में, तो उसमें क्या हुआ था, माल परचेस किया, सेल किया, तो कितना स्टॉक बचा वो हमें उस रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है, तो हमारे स्टॉक में कितना माल है हमें कैसे मालूम पड़ेगा, लेजर से, बट वो लेजर भी चल गया था उसके साथ, फिर कितना स्टॉक हमें मालूम पड़ेगा क्या, नहीं, तो हमें यहाँ वहाँ से क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम अपने परचेजर से मिलकर जिससे हम माल परचेस करते हैं तो वो हमें बताएगा कि हमने आपको इतना माल सेल किया था, तो उससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा, फिर हमारा डेटर मिल गया तो उसको हमने कितना माल सेल किया है उससे हमें अंदाज़ा लग सकता है ना, कि कितना हमारे पास स्टॉक रहा होगा, ठीक है। तो देखो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूटिंग स्टॉक, ठीक है, कितना जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था वो हमें निकालना है, फिर लॉस कितना हुआ वो हमें निकालना है, और फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे, क्लेम। तो ये पूरे क्वेश्चन को कितने पार्ट में आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन पार्ट में आपको सॉल्व करना। तो पहले देखो स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2012 83,500। अब आग कभी लगी, 17 जून को, तो 17 जून को अगर आग लगी है 2013 और आपको ईयर और क्या बोला है, आपका स्टॉक था लास्ट ईयर में 31 दिसंबर 2012, और यहाँ पर अगर कोई चीज़ स्टॉक है ना मतलब ये क्या ईयर एंड है, तो जो ईयर एंड 31 दिसंबर को होगा वो स्टार्ट कभी होगा, 1 जैन को, यानी ये ईयर जो है ना 17 जून को जो आगे 2013 में ये कभी स्टार्ट हुआ होगा, 1 जैन 2013 में स्टार्ट हुआ होगा, बराबर ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, याद रखो ये। तो यह जो आपको पहला इन्फॉर्मेशन दिया है ना ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 83,500। फिर नेक्स्ट क्या है, परचेस फ्रॉम 1 जैन 2013 मतलब 1 जैन से लेके जिस दिन आग लगी यानी 17 जून तक हमारा परचेस कितना है, 1,12,000, तो ये परचेज हो गया, कितने का हमने माल परचेज किया, 1,12,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 1,54,000, उस टाइम का हमारा सेल्स कितना था, 1,54,000, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट ऑन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% इज अर्न ऑन द सेल्स, ठीक है। हमको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, देखो यहाँ पे दो चीज़ मिसिंग है, आप लोग ने ना अब तक इतने सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, 11वीं बनाया, 12वीं बनाया, है ना, तो आप लोगों को पता होगा
कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, वेजेस वगैरह होता है, ठीक है, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है और ग्रॉस प्रॉफिट होता है समझे। तो हमें यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, यही फाइंड करने के लिए हम लोग ने ये मेमोरेंडम बनाया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है। अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए तो हम लोग टोटल देखिए क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 25% होता है किसके ऊपर, सेल्स का। तो सेल्स की वैल्यू दी है ना 1,54,000, तो इसका 25% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 38,500, ठीक है, ये आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ समझ में। अब क्या करो, इसको टोटल दे दो और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया क्या पहले वो देख लो। स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर 75,000, यानी पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी कितने के लिए हमने 70, स्टॉक तो हमें भी यहाँ से मिल जाएगा, है ना, और लॉस हमें यहाँ से मिल जाएगा सेकंड स्टेप से, तो पूरा हमको क्लेम मालूम पड़ जाएगा कि हमको कितना क्लेम मिलने वाला है, समझे। अभी इसको ऐड करो, देखो कितना हो रहा है, 5×5=10, 1×1=4×6=8=14, 1×1=10=13=13 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 2,30,000, 2,34,000, है ना। अब इसमें से ये माइनस करो, 80,000, तो 80,000 जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था, 80,000 का स्टॉक था। तो इस तरह से हमें क्या निकाला, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, है ना। तो 80,000 के माल में से हमने कितने का माल बचा लिया था, ठीक है, साल वेज जिसको बोलते हैं। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुआ उस दिन कितने का स्टॉक था हमारे पास, 80 का, जिसमें से 21,600 का माल हमने बचा लिया, 10×6=4, 58,400 इतने का हमको क्या हुआ, लॉस हो गया, है ना। तो ठीक है, सिंपल है, अभी यहाँ पे पॉलिसी अपने को दी है 75,000, स्टॉक कितना था 80,000 और लॉस कितना हुआ 58,400, ठीक है। तो देखो अभी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 54,750, मल्टीप्लाई कर दो कितना, 54,750, तो ये आपका क्या हो गया, क्लेम हो गया। तो भले ही आपका लॉस कितना हुआ 58, बट आपको मिलेगा कितना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 54,000। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि आपके स्टॉक के अगेंस्ट में आपकी पॉलिसी क्या थी, कम थी, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो कर लो ये, समझ गया ना आप लोग, धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा।